सो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम लोग का टीचर डे था स्कूल पे, तो स्कूल के गए थे, स्कूल पे टीचर डे था तो उषा जी को गिफ्ट दिए हम लोग, तो केक भी आया था स्कूल में, हमारे क्लास में सब क्लास में केक ही आया था। मतलब मुझे लगा कि अलग अलग चीज़ लाते होंगे सब, जैसे पहले मैं दूसरे स्कूल पढ़ता था तो इस साल मैं इसमें एडमिशन करवाया हूँ, तो मुझे लगा कि सब अलग अलग लाए होंगे, सब क्लास में केक ही था, तो सब लोग केक लाए। मेरे हमारे क्लास में लास्ट में आए सर जी, तो सबका पेट वैसे ही फुल हो गया था। तो आने के बाद सर जी केक काटे, उसके बाद हम लोगों ने प्लेट में, सारे प्लेट में जितने सर जी थे, सर जी मैम्स सबके में प्लेट में लगा लगा सर जी को दे दिए हम लोग। अब खा रहे थे, फिर पानी यानी हाथ धो धोए, फिर पिए, फिर उसके बाद जो जो लड़के गिफ्ट लाए थे सर जी के लिए, तो गिफ्ट हम लोगों ने दिया सर जी को। उसके बाद और मेरे भाई की क्लास में भी था, तो वह कह रहा है कि हम लोगों ने टेडी बियर दिया, जैसे कि इसको ये सब पैसा दिए थे मॉनिटर को क्लास के, तो वही सब टेडी बियर लाए थे सब, तो टेडी बियर ये सब लोग मिल के दिए हैं। एक ही टेडी बियर, एक ही टेडी बियर कितना बड़ा, इतना बड़ा टेडी बियर दिए थे, मतलब इतना बड़ा। तो गाइस बस यही है, तो स्कूल से आए पूरा मुँह में किरकिरी पोस थे, पूरा मुँह में पोत दिए थे सब, केक पूरा केक पोत दिए थे सब। तो बोलो, हेलो गाइस, हम लोग डीजे लाए थे, उसी पे डांस किए थे। सो गाइस ये अपने मस्ती में रहे होंगे सब, अपने बाजा लाए थे सब ना अपने क्लास में, छोटा सा था ये वाला, इतना बड़ा, तो ये सब अपने रूम में डांस किए थे सब। और हम स्कूल में फ़ोन ले गए थे, फोटो एक भी फ़ोटो लिए भी नहीं, तो सर जी फ़ोन ले लिए, तो कहें कि फ़ोन लाना आज मना है, तो सही फ़ोन ले लिए, मज़ा ही नहीं आया कुछ। एक बंदे ने फ़ोन लाया था, तो अभी तक मेरे पे आया नहीं है वो फ़ोटो, आएगा तो देखा जाएगा। तो बस इतना ही आज का, आज बस इतना ही हुआ। उसके बाद मैं घर आ गया, घर आने के बाद यार मेरे पैर में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे पैर में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। तो हाँ क्लास में ज़्यादा दौड़ दिया ना इसीलिए, जैसे एक बंदा मेरे पूरे मुंह पे केक पो दिया, मैंने भी हाथ में केक उठाया और दौड़ के उसके ऊपर गया, मतलब पाया तो नहीं मैं उसे, तो इसीलिए गोड़ दर्द कर रहा होगा मेरा। तो फिर घर आया, अभी खाना भी नहीं खाया हमने, भूख ही नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ खा लिया मैंने स्कूल पे, तो भूख ही नहीं लगा तो नहीं खाया कुछ, तो अभी भी भूख लगेगा तो खाएँगे। तो अभी मुझे जाना है दुकान, अभी हाँ पापा के लिए नाश्ता लेकर, तो पापा दुकान पे ही नाश्ता खा कर लेते हैं दोपहर का, और सुबह में खा के जाते हैं, और एंड दोपहर में यहाँ नाश्ता कर लेते हैं दुकान पे, मैं स्कूल से आता हूँ तो, और फिर शाम में पापा घर आ जाते हैं खाना खाने, खा के यहीं पर रहते हैं, फिर सुबह तो फिर चले जाते हैं, तो यही सब लगा रहता है। तो गाइस दो दिन से बहुत ही तेज़ बारिश आ रहा था, आज मौसम कुछ साफ हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। तो गाइस बहुत ही तेज़ धूप हुआ है, गाइस बहुत कड़कती धूप हुई है, और लेकिन हवा भी अच्छा बह रहा है, ठंड ठंड हवा आ रहा है। ये देखिए गाइस बारिश दो दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रहा था, तो इतना ज़्यादा बारिश आ रहा था कि देखिए पूरे मेरे घर के पूरा बाढ़ आ गया है मेरे घर के अगल बगल, अब ज़्यादा नहीं आया है कुछ आ गया है। सो गाइस यहाँ भी आ चुका है, एंड अगर एक दो दिन और बारिश आ जाए तो यहाँ रोड पर पानी आ जाता है, मतलब एक हफ्ते तक हमेशा बरस जाए ना, एक हफ्ते तक बारिश लगातार आता है तो पूरा रोड तक पानी आ जाता है, रोड से बहने लगता है। सो गाइस धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, तो चलते हैं अंदर। सो गाइस धूप बहुत ही तेज़ लग रही थी। मेरे घर में ना एक खासियत है, यहाँ रहता हूँ एकदम ऊपर, तो थोड़ा बहुत गर्मी होता है, एंड फिर मैं नीचे जाता हूँ, चल के बताता हूँ। वैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ तो एकदम हल्का हल्का ठंडा लगता है, फिर उसके बाद मैं नीचे, तो गाइस मैं नीचे एकदम नीचे, ये यहाँ पर एकदम ठंड लगता है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम, मतलब मज़ा आ जाता है। लेकिन ये गाड़ी पार्किंग है, यहाँ पर हम लोग का गाड़ी पार्क होता है, तो बाइक लाएंगे पापा शाम में, तो गाड़ी बाइक भी यहाँ पर लग जाता है, एंड स्कूटर मेरा है तो वहाँ लगा देते हैं, साइकिल यहाँ, कार यहाँ, मतलब ये सामान रखने वाला रूम है, जहाँ मतलब पूरा अगर जब गाड़ी निकली रहती है ना, तो हम लोग यहाँ से वहाँ तक खेलते हैं बॉल, तो मज़ा आ जाता है बॉल खेलने में भी। गाइस ये मेरा इतना ही बस रहा है, इतना बस। तो गाइस बस ऐसे
हम लोग रोज़ ऐसे ही करते हैं। तो गाइस कार भी मैं चला लेता हूँ, बट अभी चलाने लायक हुआ नहीं हूँ सर, रोड पे तो रोड पे पापा नहीं देते हैं चलाने के लिए। तो बस यहीं से दुकान तक मैं जाता हूँ, यहाँ से दुकान तक, दुकान मेरे घर से पास ही में है, तो मैं यहाँ से दुकान तक जाता हूँ कार से। अगर कुछ काम से पापा कहीं जाना रहता है तो वो कार निकालता हूँ, यहाँ से दुकान तक निकल जाता हूँ, पापा वहाँ से ले जाते हैं, फिर ला कर रख देता हूँ। एंड उससे ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, या अपने गाँव तक जाता हूँ, गाँव भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो चेक इन भी नहीं होता ना, यहाँ बहुत कम चेक इन होता है, तो चले जाते हैं। और फिर अभी 1 साल बाद मैं चला सकता हूँ रोड पे, कोई नहीं बोलेगा। तो गाइस अभी चलते हैं छत पे, एकदम ऊपर ऊपर मुझे अच्छा लगता है, मैं ऊपर ही ज़्यादा रहता हूँ। तो गाइस मैं आ गया छत पे, तो पापा के लिए नाश्ता ले जाना था, तो अभी पापा का टाइम नहीं हुआ है, पापा 2 बजे खाते हैं, अभी बज जाए 1, तो 2 बज जाएगा, तो 2 बजेगा, तो मैं लेकर जाऊँगा दुकान पर खाना एंड नाश्ता, जैसे कि चाय नमकीन ऐसे ही कुछ खाते हैं। और ये अपने मस्त गेट पे पेंट कर रहे हैं, पेंट क्यों कर रहे हो, मन कर रहा है इनका, मत करो मत करो, हाँ मत करो, नहीं करना चाहिए, पूरा पूरा फर्श गंदा कर दिया, स्कूल से चाक लाया था ना, तो चाक से पूरा ऐसे कर दिया। तो कल आई थी मेरी मामी एंड उनका बेबी भी आया था, तो रात में ही खाओगे चले गए लोग घर, जैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कप्तानगंज में ही है, यहाँ इंदरपुर फिर कप्तानगंज। तो गाइस बस इतना ही, तो गाइस बस इतना ही हुआ आज का। तो गाइस मुझे लग रहा है बहुत तेज प्यास, तो मैं जा रहा हूँ पानी पीने नीचे, तो चलते हैं नीचे पानी पीने। सो गाइस मैं आ चुका हूँ किचन में एंड यहाँ से अच्छा हवा आता है, यहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं एंड डी टी वी, और यहाँ से खूब अच्छा हवा आता है गाइस, बहुत ही अच्छा हवा ऐसे ऐसे आता है, सीधे ऊपर ही आ जाता है, मज़ा आ जाता है गाइस। तो पानी नहीं आया तो पानी ले गिलास, बस पानी पीएंगे, ये रहा पानी, लाइट नहीं है गाइस, तो पानी में पीने खा रहा हूँ गाइस, पानी तो मैंने पी लिया, चलते हैं छत पे। सो गाइस मुझे हुआ है गर्मी, तो मैं मुंह धो लेता हूँ, तब तक यहाँ पर हम लोग नहाते हैं, तो यहाँ पर हम अपना मुँह भी धो रहे हैं एंड यहाँ भी जंगल लगा हुआ है, यहाँ भी खिड़की है, यहाँ से भी अच्छा अच्छा हवा, एकदम मस्त हवा आता है चारों तरफ से, क्योंकि पानी है ना, हवा बहता है तो ठंडा ठंडा हवा आता है, और वहाँ पर नदी है तो नदी जाती है, तो वहाँ से भी बहुत ही अच्छा हवा आता है, मतलब बारिश से कम पानी है, यहाँ पर बारिश आया था तो कम ही पानी है, एंड फिर बारिश आता है तो ये जो नहर है ये पूरी फुल हो जाती है, फुल होने के बाद ओवरफ्लो होके इधर आने लगती है, तो इसे और ऊँचा करने वाले थे लोग, बट कभी करेंगे लोग। तो गाइस मैं मुँह अपना धो लेता हूँ मैं हो गया हूँ फ्रेश, मतलब मज़ा आ गया मुँह धोने के बाद, अब चलते हैं नीचे। एंड गाइस अब मुझे कुछ काम ही नहीं है, तो अभी दुकान पे जाना है, बट 1 घंटे बाद दुकान पे जाना है, तो अभी बज रहे हैं 1, तो 1 घंटे बाद जाएंगे दुकान, और उसके बाद कुछ नहीं। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, ओके लाइक करना और सब्सक्राइब करना।